हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी अपना बहुत 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 ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज है गुरु पूर्णिमा। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को गुरु पूर्णिमा की बहुत 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 सारी बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज का दिन हमारे गुरुओं का होता है, तो जिन्होंने गुरु बना रखे हैं, जिन्होंने गुरु किए हुए हैं, आज के दिन आप अपने गुरु के पास जरूर जाइए। अगर आप जाने में समर्थ हैं तो आपको आज के दिन अपने गुरु के पास जरूर जाना चाहिए। आप अपने गुरु की आज के दिन पूजा वंदना जरूर करिए। और जब भी आप गुरु के पास जाइए तो आज के दिन, स्पेशली आज के दिन, आप अपने गुरु के लिए आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ भेंट जरूर ले जाइए। गुरु कौन होता है? जिनसे हम अच्छी बातें सीखते हैं, जिनसे हम कुछ अच्छा सीखते हैं, अच्छे संस्कार पाते हैं, वो ही हमारे गुरु होते हैं। फिर वो हम किसी छोटे से सीख रहे हैं या बड़े से, ये बात मैटर नहीं करती है। बस किसी से भी हम अच्छा सीखते हैं तो वही हमारा गुरु होता है। सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जिन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छे परवरिश दी है। सबसे पहले हमारे गुरु हमारे माता पिता होते हैं। जिन्होंने गुरु बना रखे हैं उनको तो अपने गुरु के पास आज ज़रूर जाना चाहिए, और जिन्होंने नहीं बना रखे हैं वो अपने माता पिता को अपने गुरु मानकर उनकी आज के दिन वंदना करिए और उनका सम्मान कीजिए। आज के दिन उनको कुछ ना कुछ भेंट जरूर करिए आप अपने माता पिता को, ठीक है जी? ऐसा मेरा मानना है। और जिन्होंने गुरु नहीं बना रखे हैं उनके लिए मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी, सबका गुरु एक ही है, सबका मालिक एक ही है, हमारे बाबा भोलेनाथ जी, माता पार्वती जी। आप उन्हें गुरु बना सकते हैं, बाके बिहारी जी, हमारे ठाकुर जी, हमारे कन्हैया, आप उन्हें गुरु मान सकते हैं। मैं खुद, मेरे कोई गुरु नहीं है, मेरे पति के कोई गुरु नहीं है। मेरे पति ठाकुर जी को अपना गुरु मानते हैं, ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं, मैं ठाकुर जी की सेवा पूजा करती हूँ, इसलिए हम दोनों के गुरु हमारे ठाकुर जी ही हैं, हमारे बाबा भोलेनाथ जी ही हैं, उन्हें ही हमने अपना गुरु बना रखा है। तो जो भी कुछ है आज उनकी कृपा से है। और जब हमारे पति हमारे ठाकुर जी को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उन्हीं के आदेशों के अनुसार चलते हैं, तो मेरे भी गुरु मेरे भगवान ही हैं। तो आज के दिन जिन्होंने गुरु नहीं बना रखे हैं वो अपने घर के मंदिर में अपने ठाकुर जी को, अपने कन्हैया को, अपने बाबा भोलेनाथ जी को आज के दिन गुरु मान के और उनकी सेवा वंदना जरूर करें, उनके नाम की माला जरूर करें। आई होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, और बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को गुरु पूर्णिमा की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। और हाँ, मैंने गुरु पूर्णिमा पे अपने ठाकुर जी का श्रृंगार किया है तो उसकी वीडियो आपको वन बाई वन मिलती रहेगी बाद में, बट आज गुरु पूर्णिमा थी तो एक बार तो बधाई बनती थी हमारे गुरुओं की, ठीक है जी? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और जो श्रृंगार मैंने किया है वो आपको हो सकता है कल मिल जाए या फिर बाद में मिल जाए, तो उसकी वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।